वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ काजल सिंह। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे सिनम्स की सीरीज चल रही है। हम डेली आपको न्यू अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड याद कराते हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बहुत सारे वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे वर्ड्स जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनके सिनम्स लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सारे वर्ड्स को हमने इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज हम जिन वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, चलिए बारी बारी इन सभी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। आज हम हमारे सिनम की सीरीज में उन वर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि एम से स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से अपडेट रहने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका सब्सक्रिप्शन हमें ही मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ आपके सामने पेश हों। चलिए तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है मैकाबरे। मैकाबरे की मीनिंग होती है भयंकर, भयानक। और इसके सिनोनिम्स हैं ग्रूसोम एंड ग्रिसली। अब आप इसे कैसे रिलेट करेंगे? अगर हम मैकाबरे को मकबरा आप जानते हैं, मकबरा वो जगह जहाँ पर किसी की कब्र होती है, तो अगर हम मकबरे को मकबरे से रिलेट करें तो कहीं ना कहीं ये रिलेट हो जाएगा। और अगर कब्र की बात आए, डेड बॉडी की, तो अपने आप भयानक वर्ड रिलेट होता है, क्योंकि ऐसी जगह बहुत ही हॉरर और भयानक होती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मजिस्टेरियल। मजिस्टेरियल की मीनिंग होती है आदेशपूर्ण या फिर आधिकारिक, ऑथोरिटेटिव या फिर इम्परवियस। अब आप इसे रिलेट कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है इसे रिलेट करना। मजिस्टेरियल मजिस्ट्रेट, मजिस्टेरियल मजिस्ट्रेट। एंड आप जानते हैं, जो मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, वो आदेश देता है, साथ ही साथ वो एक अधिकारी होता है, तो उनके जितने भी निर्णय होते हैं वो सारे आधिकारिक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की मीनिंग होती है ग्रेटनेस या फिर एक्सटेंट, यानी कि महानता। तो हम इसे रिलेट करेंगे मैग्नीट्यूड एटीट्यूड। ग्रेट लोगों का एटीट्यूड बहुत रहता है, मैग्नीट्यूड एटीट्यूड, और यहाँ से ग्रेट वर्ड आपको रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलेडी। मैलेडी की मीनिंग होती है रोग या फिर इलनेस। तो देखिए, अगर आप इस वर्ड को पढ़ें, मैलेडी, मैले, इसमें मैले वर्ड आ रहा है, और हम जानते हैं मैले बर्तन, मैले कपड़े या मैले हाथों से खाना खाने से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलफैक्टर। मैलफैक्टर की मीनिंग होती है एविल्डर या फिर एनिमल, कुकर्मी मतलब कि बदमाश या फिर कोई दुर्जन व्यक्ति। तो हम इसे रिलेट करेंगे मैलफैक्टर, इसमें मेल वर्ड आ रहा है, और आप जानते हैं, मतलब देखे होंगे जनरली, कि जितने अगर हम मुजरिमों की बात करें, क्रिमिनल्स की बात करें, तो 100% में से 60% या 70% जो होते हैं वो मेल होते हैं। फीमेल्स भी होती हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम होता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ज़्यादातर बदमाश व्यक्ति मेल होते हैं, जस्ट रिलेट करने के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेलेन। मेलेन की मीनिंग होती है स्पीक एविल ऑफ, बैड माउथ या फिर डिफेम, यानी कि हम इसे कह सकते हैं गंदे लोग या फिर बुरे लोग जो कि बदनाम हो, डिफेम मीन्स कि जिनका नाम खराब हो। तो हम इसे देखिए रिलेट करेंगे मलिन, मलिन को हम कर सकते हैं मलिन से। तो जो मलिन लोग होते हैं, मलिन मतलब कि जो गंदी बस्तियों में लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज आपने देखी होगी, उनकी लैंग्वेज बहुत ही रफ होती है और बहुत ही गंदी लैंग्वेज बात करते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी का वो पार्ट जो कि एक अच्छे जगह पर रहता है, जो गंदे जगह पर रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लैंग्वेज में कितना अंतर आता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट की मीनिंग होती है कि कुछ चीज़ डिक्लेयर करना, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, डिक्लेरेशन, वो भी बहुत सारे लोगों के सामने। तो हम इसे रिलेट करेंगे, कहना चाहिए घोषणा पत्र या फिर ऐलाननामा, तो मैनिफेस्टो। तो अगर किसी मेन को कोई डिक्लेरेशन करना है, कोई बहुत बड़ा डिक्लेरेशन, तो एक फेस्टिवल रखेगा, मैनिफेस्टो, मैन प्लस फेस्टिवल, मैनिफेस्टो मैन प्लस फेस्टिवल, मैन फेस्टिवल मैनिफेस्टो। तो एक फेस्टिवल रखेगा ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, लोगों को इकट्ठा कर सके और अपने ऐलान को सुना सके। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी की मीनिंग होती है ऑब्लिगेटरी, यानी कि अनिवार्य।
तो ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, क्योंकि हम सभी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो हमें पता है कि उस पर इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, तो हमें इस वर्ड को याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलोडस। मैलोडस की मीनिंग होती है बदबूदार, फॉल्स स्मेलिंग। तो हम इसे आराम से ऐड कर सकते हैं कि मैली चीज़ों से गंदी बू आती है, मैलोडरस, मैलोडरस, मैली, इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैनेकल। मैनेकल की मीनिंग होती है हथकड़ी, रेस्ट्रेन एंड हैंडकफ। तो आप इसे रिलेट करिए मैनेकल को साइकिल, मैनेकल साइकिल, एंड साइकिल की मीनिंग ही होती है हथकड़ी, मैनेकल साइकिल। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट की मीनिंग होती है ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ही दुख को, अपने ही दर्द को इंजॉय करता है। एक्चुअली में ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक व्यक्ति के नाम पर आया था जिसका नाम था जॉन मैसॉक। उसी के नाम पे मैसोकिस्ट वर्ड आया, जॉन मैसॉक। एक्चुअली में वो जो व्यक्ति था वो अपने आप को हर्ट करता था और उस हर्ट से वो अपने आप को खुशी देता था। इसी वजह से इस वर्ड को उन्हीं के नाम पे डेडिकेट कर दिया गया और उसकी मीनिंग हो गई मैसोकिस्ट, जो कि किससे आई है, जॉन मैसॉक से। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैट्रियार्क। मैट्रियार्क की मीनिंग होती है नॉर्मली अगर हम कहें तो कुल माता, वुमेन हु रूल्स अ फैमिली और लार्जर सोशल ग्रुप। तो इसे भी आराम से याद किया जा सकता है, मैट्री माता, मैट्री माता। अगर आप इसकी स्पेलिंग देखें MAT और माता की स्पेलिंग MATA, तो इसे आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैरीटाइम। मैरीटाइम की मीनिंग होती है समुद्री, बॉर्डिंग ऑन द सी एंड नॉटिकल। तो इसे आप आराम से रिलेट कर सकते हैं मरीन, सबमरीन, सभी जानते हैं जब भी मरीन सबमरीन का नाम आता है पानी समुद्र अपने आप रिलेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मार्ट। मार्ट की मीनिंग होती है डैमेज्ड एंड डिसफिगर्ड, यानी कि बिगाड़ना। तो अगर हम इसे याद करें, मार्ट मार प्लस रॉड, मार्ट मार प्लस रॉड। तो अगर हम रोड से किसी, जो लोहे का रॉड होता है, अगर हम उससे किसी दरवाजे दीवार पर बार बार मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर डिसफिगर हो जाता है। अभी नॉर्मली कहें तो मार मार किसी चीज़ को हम ख़राब कर सकते हैं, उसके शेप और साइज को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉल। मॉल की मीनिंग होती है आलोचना करना, हैंडल रफली। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं मॉल को, माहौल, मॉल, माहौल। माहौल ख़राब हो तो लोग आलोचना ही करते हैं, या फिर मॉल में जनरली गर्ल्स मिल जाती हैं, लेडीज़ मिल जाती हैं, और जब वो मिलती हैं तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, फिर तो चुगली ही चलती है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैगजीम। मैगजीम की मीनिंग होती है कोई कहावत, प्रोवर्ब, या फिर कोई ट्रूथ, कोई सच्चाई घटना, अट्रूथ पिथली स्टेटेड। तो हम इसे रिलेट करेंगे मैगजीम, मैगजीन। एंड नॉर्मली हमें मैगजीन बुक्स वगैरह में ही तो ये सारी चीज़ें पढ़ने मिलती हैं, कहावत, मुहावरे, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। वक्त देखते हैं मेरिट्रियस। मेरिट्रियस की मीनिंग होती है फ्लैसी एंड टॉड्राई। इसकी मीनिंग होती है दिखावे का या फिर नकली, मतलब ऐसी चीज़ें जो नकली होती हैं या फिर हम केवल शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम लेट कर सकते हैं। इसमें वर्ड आ रहा है मेरिट, मेरिट, मेरिट। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम इंडिया में बात करें तो एक दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि नकली फर्जी डिग्री बनाई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो कि फर्जी डिग्री देती हैं। तो जो बच्चे की फर्जी डिग्री होती है, जिनके अच्छे मार्क्स शो होते हैं जबकि उसे आता कुछ नहीं है, वो बच्चे हमेशा शो ऑफ करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, जबकि पास तो वह पढ़ने लिखने वाले बच्चे के जितने भी नंबर आए उसे कम ही लगता है। लेकिन अगर आपके पास नकली डिग्री है और उसमें आपको ज़्यादा नंबर दिए गए हैं तो आप हमेशा शो ऑफ करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेडियोका। मेडियोका की मतलब होती है कि कॉमन, ऑर्डिनरी, मतलब कि कुछ खास सा नहीं होता है उसमें, मध्यम दर्जे का। तो बहुत ही आराम से रिलेट हो जाएगा ये मेडियोका। इसमें वर्ड ही आ रहा है मीडियम है, मीन है, मीन, मीडियम, मीडियोका, आराम से रिलेट हो रहा है। अगर आप इसके स्टार्टिंग वर्ड को लें मीडी, मीडियम, मीडी, मीडियम, एंड मीडियम हम कहते हैं किसी सामान को, हाँ मीडियम है, एवरेज है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि कुछ खास नहीं है वो, बस कॉमन सा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीक। मीक की मीनिंग होती है नम्र, मीक, मेक, दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं,
मिक्की देखते हैं हम, तो इसकी मीनिंग होती है नम्र विनम्र। आप इसे रिलेट कर सकते हैं सबमिसिव पेशेंट एंड लॉन्ग सफरिंग, बीमार या फिर नम्र, इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। इसके कई तरीके से उच्चारण हो सकते हैं, अगर आप नॉर्मली जाएं तो इसे मीक भी कह सकते हैं और मेक भी कह सकते हैं। खैर चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग। तो अगर हम मीक को माइक से सेलेक्ट करें, मीक माइक, एंड आप जानते हैं जो भी वक्ता होता है जिसे माइक दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि सबके साथ अच्छे से कन्वर्सेशन करता हो, जिसकी भाषा शैली एकदम नम्र हो, सॉफ्ट हो, ऐसे लोगों को माइक दिया जाता है हमेशा। स्टेज तो मैं आप लोगों ने देखा होगा, नहीं किसी ऐसे व्यक्ति को तो माइक नहीं दे देते हैं जिसे बोलना ही ना आता हो, एक विनम्र व्यक्ति के ही हाथों में माइक थमाई जाती है। तो मीक माइक एंड नम्र, ये आपका आराम से लेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैट। मैट की मीनिंग होती है मेजर और डिस्ट्रीब्यूट। तो मैट को हम रिलेट कर सकते हैं मीटर, मेट मीटर, मीटर तो मेज़र के लिए होता है, और मेट मिठाई, मेट मिठाई, अब मिठाई है जाहिर सी बात है मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से इसके दोनों जो मीनिंग है आपको रिलेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा माइग्रेंट। माइग्रेंट की मीनिंग होती है प्रवासी, चेंजिंग इट्स हैबिटेंट, यानी कि अपना निवास चेंज करना। तो देखिए ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है माइग्रेटिंग। जब भी हम स्कूल वगैरह छोड़ते हैं तो हमें वहाँ से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, माइग्रेशन, तो माइग्रेंट माइग्रेशन। अब क्योंकि हम एक स्कूल से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसहैप। मिसहैप की मीनिंग होती है एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग में वर्ड दिख रहा होगा मिस, हम जानते हैं अगर हमारी थोड़ी सी भी सावधानी मिस होती है तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटती है तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि अगर आपने हल्की सी भी सावधानी मिस की तो एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिराज। मिराज की मीनिंग होती है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा ये टर्म आपने साइंस में पढ़ा होगा कि रेगिस्तान में जब लोग जाते हैं और बहुत धूप पड़ती है तो उन लोगों को दूर में पानी का आभास होता है, जबकि वहाँ वास्तव में पानी होता नहीं है, वो क्या रहता है रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें वहाँ पर पेड़ की इमेज दिखती है, जबकि वास्तव में नीचे रेत ही रेत होती है, पानी नहीं होती है। तो ये वर्ड वहाँ से आया है मृग तृष्णा। तो इसका जो मीनिंग है वो है अनरियल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल इल्यूजन। तो मिराज को हम रिलेट कर सकते हैं मिरर, मिराज मिरर, और मिरर में तो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, वास्तव में तो वहाँ कोई खड़ा नहीं होता है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माया। माया की मीनिंग होती है उलझाऊ या फिर कीचड़, दलदल जमीन वगैरह। तो हम इसे रिलेट करेंगे माया, पहले के सिनोनिम देख लेते हैं, इंटेंजल स्टिक इन स्वैम्पी ग्राउंड, यानी कि कीचड़ में दलदल में फंस जाना। तो माया को हम मैथ से रिलेट कर सकते हैं इसकी उलझाऊ मीनिंग के लिए, और माया मैथ, तो हम सभी जानते हैं कि मैथ जो है बहुत ही उलझाऊ टॉपिक है, और हम मायर को रिलेट करेंगे टायर, मायर टायर, मडी टायर, मायर मडी टायर। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं मडी टायर मायर, क्योंकि अगर टायर आपका मड में जा रहा है तो फिर वो कैसा हो जाएगा मायर। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मर्थ। मर्थ की मीनिंग होती है मेरीमेंट, लाफ्टर, जॉय, हैप्पीनेस, यानी कि खुश होना। तो हम इसे नॉर्मली लेट करेंगे मर्थ बर्थ, मर्थ बर्थ, एंड हम सभी जानते हैं जब किसी का जन्म होता है घर में तो पूरे घर में खुशी की माहौल हो जाती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर की मीनिंग होती है दुर्गति या फिर अभाग्य, मिस कॉमा एंड इल लक। तो हम देखिए इसमें वर्ड आ रहा है एडवेंचर, हम एडवेंचर पर जाने के लिए तो बहुत उत्साहित होते हैं, मगर जब हम एडवेंचर पर जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, नदियाँ पार करते हैं, तब जो हमारी हालत होती है एकदम ख़राब हो जाती है, हमारी दुर्गति हो जाती है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है निमोनिक। निमोनिक की मीनिंग होती है परटेनिंग टू मेमोरी, यानी कि स्मृति सहायक, निमोनिक। तो ये वर्ड तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके साथ इन्हीं वर्ड इसी के जरिए डिस्कशन कर रहे हैं निमोनिक। हम आपको निमोनिक ट्रिक्स बता रहे हैं, स्मृति सहायक ट्रिक्स, ताकि आपको याद रखने में हेल्प मिल सके। तो हमारा ट्रिक ही है निमोनिक ट्रिक, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोजिनिस। मिसोजिनिस की मीनिंग होती है हेटर ऑफ वुमेन। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिस वर्ड आ रहा है MIS, एक्चुअली में एक रूट वर्ड है। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ में मिस वर्ड देख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि ये हेट वाली मीनिंग दे रहा है। तो इस तरीके से आप वोकैबुलरी ट्रिक टिक कर सकते हैं,
अगर आपको पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड की मीनिंग नहीं पता है मगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ नेगेटिव सेंस में आंसर देना है और आपको मिस दिख रहा है रूट वर्ड, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नफरत की ही बात की गई है। चलिए देखते हैं, मिस वर्ड जो है वो तो खैर आपका हेट से रिलेट हो गया और यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है GYNI, कहीं ना कहीं आप लोगों ने गायकोनोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, तो ये वर्ड उससे मिलता जुलता है, गायनिस्ट गायकोनोलॉजिस्ट, गायनिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट। गायकोनोलॉजिस्ट जो होती हैं स्त्री विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं डॉक्टर, तो इस तरीके से आपको हेट और स्त्री वर्ड रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोगल। मोगल की मीनिंग होती है पावरफुल पर्सन, इसे आप आराम से रिलेट कर सकते हैं, मोगल मुगल, और जो मुगल थे बहुत ही पावरफुल थे, एक लंबे अरब तक हमारे इंडिया पर उन्होंने शासन किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोटिफ। मोटिफ की मीनिंग होती है थीम यानी कि मूल भाव, तो इसे आप आराम से मोटिफ को मोटिव कह लीजिए, मोटिव मोटिव, और एक्चुअली में मोटिव मोटिव सिनोनिम्स भी हैं। तो हम जब भी कोई कहानी मूवी देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस कहानी का मोटिव क्या था, मूल भाव क्या था, तो ये आराम से रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म की मीनिंग होती है कि एक ही ईश्वर में बिलीव करना। अब देखिए मोनो वर्ड जो होता है वो तो वन के लिए दिया जाता है, मोनो मीन्स की वन, एक को शो करता है, और जहाँ पे थीज्म वर्ड है थेई THEI, वो रूट वर्ड है किसके लिए, गॉड के लिए, तो इस तरीके से आपको रिलेट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मॉडेंट। मॉडेंट की मीनिंग होती है चुभना, बीटिंग, सार्केस्टिक, या फिर हम कहें तो स्टिंगिंग, एंड इसकी मीनिंग होती है ताना मारना, व्यंग, क्योंकि ताना व्यंग ये सभी व्यक्ति को चुभते ही हैं, तो इस तरीके से इसकी मीनिंग ली जाती है। अगर आप इसकी स्पेलिंग देखें, नॉर्मली हम पढ़ें तो मोर डांट, कुछ ऐसा साउंड कर रहा होगा मोर डांट, अगर हमें डांट मिलती है और मोर डांट और ज़्यादा डांट, तो वो डांट जो होती है उसमें व्यक्ति तानों का इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें चुभते हैं, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है म्यूलेट। म्यूलेट की मीनिंग होती है ड्रिप फ्रॉड अ पर्सन ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति को धोखा देना, अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए म्यूलेट, म्यूलेट में वर्ड आ रहा है लेट। अब लेट अगर मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि आप उसे उतने समय पे पहुँचेंगे क्योंकि उसे अर्जेंट था और आप लेट हो गए, तो कहीं ना कहीं आपने उस व्यक्ति के साथ चीट किया, तो इस तरीके से आप लेट कर सकते हैं कि लेट पहुँच कर आपने किसी व्यक्ति को धोखा दिया, अगर आपकी वजह से उसका काम बिगड़ा हो तो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के वर्ड्स, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारे वर्ड्स याद कराएं, इनके सिनोनिम्स याद कराएं। अगर फ्रेंड्स आपको याद हो गए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ अभी कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने तो नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।